नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव साहू आज आपको बताऊंगा सीडी कैसेट को हम कैसे कॉपी करेंगे, डीवीडी या सीडी को कैसे कॉपी करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास अभी शादी का कैसेट है, मैं क्या करूंगा दोस्तों, शादी कैसेट को डिस्क पीसी में जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं राइटर का निशान है, इसको क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ये पहले से डला हुआ सीडी है, उसको इजेक्ट करूँगा दोस्तों इस तरह से। इजेक्ट करने से अपना जो सिस्टम में सीडी रोम लगा है वो निकल गया, देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक शो कर रहा है अभी। अब इसको क्या करूँगा दोस्तों, अपना शादी का कैसेट है, इसको मैं अपना कॉपी करना चाहता हूँ, पहला पार्ट है ये, तो इस तरह से अपना करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, अपना एक सीधा बना लूँगा, जैसे इसमें मेरा नाम, कुछ भी नाम है जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, जैसे मैं शादी कैसेट जैसे लिख दिया, ओके कर दे, इंटर मारें। उसके बाद यहाँ एक फोल्डर बना लीजिए दोस्तों, एक नंबर या पार्ट वन लिख लीजिए आपकी जैसे हिसाब से, ये बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक दबाना पड़ता है, तो लगातार बड़ा लिखा के आएगा इस तरह से, फिर वन दोस्तों, इसको फिर से लिखने के रिनेम करना पड़ता है इस तरह से, फिर इसके बाद स्पेस देना पड़ेगा। यहाँ अभी अपना कीबोर्ड में नहीं लिखा रहा तो बगल में नेम लॉक रहता है, उसको ऑन करना पड़ता है, तभी यहाँ का की जो होता है वो स्टार्ट होता है दोस्तों। तो इस तरह से इंटर करोगे, ओके करोगे, और देखो यहाँ पे जो निकाले थे यहाँ पे 4 GB का शो करने लग गया है, 3.69 GB, ये देख रहे हैं, इसको इस तरह से जाना है। उसके बाद ओपन इन न्यू फोल्डर, इस तरह से करोगे, ओपन करोगे तो ये डायरेक्ट प्ले होना चालू हो जाएगा दोस्तों, इसलिए ओपन इन न्यू विंडो इस तरह से करोगे, और ये देख रहे हैं आप, ये अपना आ गया दोस्तों। क्या करेंगे, इसको इजी पकड़ना है, पकड़ के ये अपना पार्ट वन लिखे हैं वहाँ पे छोड़ देना है, ये देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से अपना कॉपी कर सकते हैं। ये विंडो 10 में चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप चाहो तो इसको इस तरह से रोक भी सकते हो, रोकने का भी ऑप्शन है इसमें, इसमें इस तरह से नीचे भी कर सकते हो, और नीचे करने के बाद ये देख सकते हो इस तरह से आप। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इस तरह का इसका प्रोसेस है, अपना 3 DVD है, तीनों DVD को इसी तरह से आपको कॉपी करना है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, ओके थैंक्स, नमस्कार दोस्तों।